Banerjee, Founder and Managing Director, Sarna Infocom Private Limited. इसी से की इसमें मैं भी जुड़ने का मुझे मौका मिला आप लोगों से, ऐसे आप में हम लोग शुरू कर दीजिएगा, वहाँ पर मेरा टीम पहुँच जाएगा उधर। दिन में आप लोग क्या बनने वाले हैं, तो सर ने टीम जो यहाँ पर देने के लिए मैं खुशी के लिए, लाइफ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आपको। जैसा कि बैरी साहब ने पढ़े हैं, लेकिन जब आप काम शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा धीरे धीरे, क्योंकि देखिए सरकार की स्कीम्स ऐसी हैं कि बैंकों में दिन ब दिन भीड़ बढ़ती जा रही है, और एक कॉन्सेप्ट यह है कि बैंकों में लोगों को विजिट कम से कम करना पड़े, ताकि ऑलरेडी ओवरलोडेड बैंक हैं, ओवरवर्क बैंक के स्टाफ हैं, वहाँ कम से कम लोगों को जाना पड़े, और बैंक की सुविधाएँ लोगों को उनके घर पर, उनके गाँव पर ही उपलब्ध हो सके, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके ये बिजनेस सिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप किया गया है। आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश ये पहला राज्य है पूरे देश में जो इतने बड़े स्केल पर, लार्ज स्केल पर बिजनेस सिटी के कॉन्सेप्ट को रियलिटी में कन्वर्ट कर रहा है। अभी तक बिजनेस सिटी पूरे देश में जितनी नहीं थी, उसकी कई गुना बिजनेस सिटी जो है उत्तर प्रदेश में आ रही है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक बिजनेस सिटी रहेगी, इस जीपी वन बीसी का कॉन्सेप्ट है ये, उसका रही होगी। अब जो है आज ये जो काम आपको शुरू करना है, इसके लिए एक डिवाइस जो कस्टमाइज्ड है प्रत्येक इंडिविजुअल बीसी सिटी के लिए अलग अलग, उस डिवाइस के वितरण का कार्यक्रम है। आप लोग इस डिवाइस को लीजिए और आवश्यकता पड़ेगी, मैंने बात किया था अभी ये सरना इंफोकॉम के इंजीनियर साहब से, उन्होंने बताया था इसकी आवश्यकता पड़ेगी, आप लोगों को पूरा ट्रेनिंग देंगे। एक दिवसीय ट्रेनिंग होगी, और आप लोगों को जब भी जरूरत पड़ेगी आप लोगों को हैंड होल्डिंग किया जाएगा। आप लोग काम शुरू करें, हम लोगों की शुभकामना है। जो भी पैसा सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं के तहत जाता है विभिन्न लाभार्थियों के खातों में, उन उस पैसे को आप ही के थ्रू रूट कराने का जियो भी हो रहा है। सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विभिन्न विभाग ऐसा जियो कर रहे हैं कि जो जैसे मनरेगा का पैसा मनरेगा के लाभार्थियों को जाता है, मनरेगा के मजदूरों को पेंशन का पैसा जाता है, वो सारा पैसा अब बीसी सिटी के माध्यम से ही उसका आहरण और पैसे को जमा भी करने का काम आपके माध्यम से होगा, और कमीशन इसमें बहुत अच्छा है। ये रोजगार का इतना अच्छा साधन है कि आप लोगों को लगेगा कि ये बहुत अच्छा काम सरकार के द्वारा किया गया है। दूसरी बात, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों में एक एक बीसी सखी रखे जाने का निर्णय लिया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के उपरांत। वन जीपी वन बीसी का ये कार्यक्रम है पूरा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक बीसी सखी रखे जाने का ये जो निर्णय लिया गया है, इसमें ये प्रावधानित था कि ये बीसी सखी जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित समूहों के माध्यम से होंगी, समूहों के से जुड़ी हुई महिलाएं होंगी। इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई किया, इनका ऑनलाइन चयन हुआ है। इसके बाद इनकी 6 दिवसीय ट्रेनिंग, आवासीय ट्रेनिंग, ग्रेजुएशन ये RCT में होती है। इसके बाद इनको एक एग्ज़ाम IIBF जो लेती है उसको पास करना होता है। उस एग्ज़ाम को पास करने के बाद पार्टनर बैंक के द्वारा इनको ये डिवाइस प्रदान की जाती है। डिवाइस के लिए जो पैसा है वो UPSRLM देती है, और वो स्वयं सहायता समूह के खाते में देती है। उस समूह से ये चूँकि समूह की सदस्य होती हैं, इसलिए उससे वो ऋण लेती हैं, और
ये डिवाइस उनको बैंक के पार्टनर बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा है यहाँ का, उसके 5 फर्म्स हैं जो ये डिवाइस उनको उपलब्ध कराती है। ये डिवाइस जो है वो कस्टमाइज्ड है, प्रत्येक डिवाइस जो है प्रत्येक महिला के लिए, इसमें कोड जनरेट होगा। अभी ट्रेनिंग इनको पूरी मिल चुकी है और इस डिवाइस को जब ये चालू हो जाएगा, जो कि बहुत जल्दी चालू होगा, इसके बाद ये बैंक और जनता के बीच में एक सेतु का काम करेंगी और जो भी बिजनेस इनके द्वारा किया जाएगा उस बिजनेस में जो कमीशन जनरेट होगा वही इनकी आमदनी का जरिया होगा। इसका उद्देश्य ये है कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सतत आय का जरिया उपलब्ध कराना, और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें लाभ जो है वो ग्रामीण जनता को भी है, लाभ जो है बैंकिंग संस्थाओं को भी है, और इनको तो लाभ है ही है, और हमारे विभाग को ये लाभ है कि हमारे विभाग की महिलाएं जो है इसमें जुड़ी हुई हैं, इतने लंबे पैमाने पर जुड़ी हुई हैं, तो विभाग का नाम भी रोशन हो रहा है। कितने कर्मचारी इसमें सेलेक्ट किए गए? देखिए, यहाँ 979 ग्राम पंचायतों में, 960 ग्राम पंचायतों में बीसी सखियों का चयन हो चुका है, जिसमें से 427 बीसी सखी ट्रेनिंग ले चुकी हैं और सर्टिफाइड हो चुकी हैं। उनमें से हम लोग 183 को 20 तारीख तक ये डिवाइस बंटवा चुके थे, आज अभी 10 डिवाइस और बंटा है, तो इस तरह से लगातार डिवाइस बंटने का काम चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा मिश्रा, ग्राम पंचायत काशीपुर, ब्लॉक करौदी कला, और मेरे समूह का नाम पान बाबा, उसमें कि मैं अध्यक्ष हूँ। मेरे ग्राम संगठन का नाम रोशनी प्रेरणा महिला ग्राम संगठन, और उसमें कि मैं सदस्य हूँ। मेरे क्लस्टर का नाम संस्कार प्रेरणा महिला संकुल समिति, और मैं समूह सखी के पद पर काम करती थी। अब बीसी सखी का 6 दिवसीय प्रशिक्षण लेके मैं बीसी सखी के पद पर चयनित हुई हूँ, और यहाँ पर मैं डिवाइस लेने के लिए आज आई हूँ।